फ्रेंको स्विस बॉर्डर पे है जिनेवा स्विट्जरलैंड में दिस लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर न्यूट्रिनो का चार्ज जीरो होता है कंट्री जहां लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रामसर साइट्स हैं उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम इंडिया में फोर्टी टू साइट है भारत रत्न कैन बी गिवन इन वन ईयर द आंसर इज थ्री ये फायर आइस है जिसका नाम है मिथेन हाइड्रेट सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन आज के सवाल हैं वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड खान खा वॉट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे टू थाउजेंड ट्वेंटी वन कल ये हमने सेलिब्रेट किया है हु इंट्रोड्यूस द फेमस पर्जियन फेस्टिवल नोरोज इन इंडिया हु फाउंडेड द पाला एम्पायर ये बेंगाल में था वेर विल द विंटर ओलम्पिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू भी हेल्ड बिशन दास एक फेमस पोर्ट्रेट पेंटर थे ही वॉज रिसाइडेड इन द कोर्ट ऑफ विच मुगल रूलर सो दीज आर फॉर आज की वो है बेहीमौत इसका मतलब है जो बहुत ह्यूज इन साइज है समथिंग इन नॉर्मस एस्पेशली लार्ज और पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन इनडेलेबल इनडेलेबल मतलब नॉट एबल टू बी रिमूव्ड और इरेज्ड वो जो छाप है दैट इज इनडेलेबल पार्ले पार्ले का मतलब होता है नेगोशिएशन करना दो एनिमीज के बीच में पार्सिमोनियस मतलब वो बहुत ज्यादा कंजूस है

आर की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी और इसकी फाइंडिंग्स को आज समझेंगे देन दिस इज़ आई दिल्ली का रिसर्चर्स ने डेंगू के लिए एक नया डायग्नोसिस का मेथड फाइंड किया है पार्लियामेंट देन दिस इज़ एश सफोकेशन नाइट कर्फ्यू स्टेइंग अकोमोडेटिव स्टेइंग अकोमोडेटिव आरबीआई की पॉलिसी जोग्राफी इज डेस्टिनी जोग्राफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स इन तीनों का इंटरप्ले विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टूडे दैन फॉलोइंग शॉर्ट डी कंस्ट्रक्टिंग डिकलेशन ऑफ कार्बन न्यूट्रालिटी ये जो कॉन्सेप्ट है कार्बन न्यूट्रालिटी वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी विमेंस राइट टू डिसाइड है देन दिस इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दिस इज लोक अदालत एक्सेलेंट आर्टिकल लोक अदालत यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है दिस इज ट्रांसपर्सन पैंडमिक सर्टेन हेडलाइंस एंड दिस रूपी यहाँ पे दिस फॉल हुआ है ये नंबर्स हैं आर बी आई के और ये रूपी के नंबर है आज हम देखते हैं इस मोटे अनाज को ज्वार बाजरा एंड रागी दिस इज सी सेट सोलूशन एंड सर्टन क्वेश्चन सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दिज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट दिस इज द हिंदू एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस बोथ आर दिल्ली एडिशन ये फ्रंट पेज है द हिंदू का सी नो शॉर्टेज ऑफ वैक्सीनेशन है गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको कंफर्म किया है कि वैक्सीनेशन सफिशेंट अमाउंट में है वैक्सीनेशन वर्क प्लेसेस पे भी अब स्टार्ट होगा वैक्सीनेशन करना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर एलिजिबल 45 प्लस ब्रैकेट में है देन गो गेट वैक्सीनेटेड सेकेंड है इन बिगेस्ट सिंगल डे स्पाइक इंडिया रिपोर्ट्स वन पॉइंट केसेस सी ये नंबर एक दिन में आए वन पॉइंट केसेस एंड दिस इज अज नंबर महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं अब सी ये जो डिसीज़ेज़ होती है ना एपेडेमिक इस टाइप के होते हैं ये नंबर ना बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होकर राइज़ भी हो सकते हैं ये 1.26 का अगर हम केयरफुल नहीं रहेंगे तो इससे क्या होता है जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है ना वो ओवरवेलम हो जाती है अचानक से इतने सारे पेशेंट्स आ जाएंगे तो डॉक्टर्स उनको हैंडल नहीं कर पाएंगे जो हमारा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है बेड्स है ऑक्सीजन सिलेंडर्स है एट्सट्रा वो यहाँ पर ओवरवेलम्ड हो जाता है दिस इज अ कॉज ऑफ वरी सडन अमाउंट में इतने नंबर ऑफ केसेस आना इट्स नॉट एट ऑल गुड राइज सेफ्टी फर्स्ट यहाँ पे वर्कर्स सर्जिकल मास्क का प्रोडक्शन कर रहे हैं अहमदाबाद ऑन वेंसडे अब हमें सारी चीज की जरूरत पड़ेगी पीपीई की जरूरत पड़ेगी ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत पड़ेगी मास्क की वैक्सीनेशन की एटसेट्रा कोविड नाइनटीन फाइट इसमें अभी भी वैक्सीनेशन एक इंपॉर्टेंट टूल है और उससे भी इंपॉर्टेंट है दिस सोशल वैक्सीनेशन जिम्मेदारी पूर्वक दिस अकाउंटेबिलिटी से हम अपना कंडक्ट करें देन दिस इज आर बी आई कीप्स पॉलिसी रेट्स अनचेंज पॉलिसी रेट्स अनचेंज हैं अपसी आर बी आई है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बैंकर्स का भी बैंक कहलाता है ये हमारा सेंट्रल बैंक है आर बी आई का काम होता है मॉनिटरी पॉलिसी एक्सेट्रा पे यहाँ पे एक वॉच रखना तो आर बी आई इज़ अ काइंड ऑफ दिस गार्डियन फिजिकल पॉलिसी आती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जो मॉनेटरी पॉलिसी आती है वो आती है बाय दिस रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी फेवरेट टॉपिक है इसको हम हर कुछ ही दिनों में देखते हैं फोर टाइम्स अ ईयर यहाँ पे ये कमेटी बैठती है इसके मिनट्स ऑफ मीटिंग भी पब्लिश होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के छः मेंबर हैं तीन आर ऑफिशियल होते हैं और तीन गवर्नमेंट नॉमिनी जो आर के चीफ हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं डिसीजन बाय वोटिंग होता है और टारगेट इन्फ्लेशन रखना होता है फ़ोर प्लस माइनस टू मॉनिटरी पॉलिसी हम इसलिए लेके आए थे ताकि जो इन्फ्लेशन है वो कोई आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाए मार्केट में कितनी हमें लिक्विडिटी बनाए रखना है इस बात पे हम चेक रख सके सो so ये डेटा हो जाता है दिस मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का काम है ग्रोथ को इंश्योर करना इन्फ्लेशन को टेम करना लिक्विडिटी प्रोवाइड कराना और कंजम्पशन और दूसरे पैरामीटर्स पे एक टैब रखना मॉनेटरी पॉलिसी लेड डाउन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मतलब कि आर ये क्वांटिटी ऑफ मनी को चेक करता है कि ये हमारा मार्केट है मार्केट में कितना पैसा उतारना है हमें कितनी लिक्विडिटी बनी रहे ये काम होता है दिस एम का रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स क्या है जैसे ईजी मनी पॉलिसी रखना है या फिर अकोमोडेटिव रखना है या फिर उसको स्ट्रिक्ट रखना है हॉकिश रखना है या डॉविश रखना है ये सब काम होता है दिस एम का ये ओपन मार्केट ऑपरेशन करते हैं बैंक रेट पॉलिसी रिजर्व सिस्टम क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी मोरल परजवेशन ये पूरा काम है दिस आर का सो so दैट जो मार्केट के माइक्रो इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल्स है, हैं वो स्टेबल रहे मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट एक्सपेंशनरी मतलब कि रेट कट्स हो रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन मतलब रेट्स को आपसे अगर रेट्स का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब रेट्स को आपने कम कर दिया है इसका मतलब आप क्या कर रहे हो इजी मनी पॉलिसी कर रहे हो आप ज़्यादा मार्केट में मनी प्रोवाइड करा रहे हो लिक्विडिटी बढ़ा रहे हो और रेट्स जब अप होती है तो इसका मतलब है आप मार्केट से लिक्विडिटी को स्क्वीज आउट कर रहे हो मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी रेस्पॉन्सिबल होती है फिक्सिंग द बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट इन इंडिया बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट अपसी यहाँ जो अभी डिसीजन आया है वो ये है कि रेपो रेट को फोर परसेंट पर रखा जाएगा और सभी ने जो छः मेंबर हैं उन्होंने वोटेड यूनानमसली किया कि डिसीज़न मतलब कलेक्टिव डिसीज़न है और सब अग्रीमेंट में थे कि रेपो रेट को फोर परसेंट ही रखते हैं रेपो रेट फोर परसेंट है ये कम है मतलब सरकार इजी मनी पॉलिसी अपना रही है अकोमोडेटिव स्टांस है ईजीली लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ रही है मार्केट में लिक्विडिटी जब ज़्यादा बढ़ती है तो इससे इन्फ्लेशन बढ़ने का दिस रिस्क रहता है इन्फ्लेशन बढ़ने का रिस्क होता है इसीलिए एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है लिक्विडिटी में मार्क दिस पॉलिसी में एंड दिस दिस इन्फ्लेशन एट्सट्रा में अब आर गवर्नमेंट का डेट मैनेजर भी होता है तो ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स फिन चल रहा है मार्केट में लिक्विडिटी रखने का रेट्स कितनी होगी रेपो हो कितना होगा रिवर्स रेपो कितना होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन ये सब चीज़ें होता है दिस मोनिटरी पॉलिसी कमिटी में इम्प्रूव करना है हमें डिमांड और रिटर्न करना है नॉर्मल सी अब सी इस पे समाइम्स बैक यू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन इसको हम फिर से अपडेट करते हैं प्रिपेयर अ नोट ऑन मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी डिस्कस इट्स यूटिलिटी इन द इकोनॉमिक रिवाइवल इन द प्रेजेंट टाइम अब ये दस नंबर का सवाल है तो पहले तो कुछ तीन चार नंबर के लिए आप मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होता है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है मैंडेट क्या होता है टारगेटिंग क्या होती है डिसीजन कैसे होते हैं क्या काम है ये सब चीज़ें आप फटा फटाफट लिख दो ये सारा है डेटा स्टैटिक पार्ट नाउ इट्स यूटिलिटी इन द इकोनमिक रिवाइवल इन द प्रजेंट टाइम अब आप डिस्कस करो कि कोविड नाइन्टीन आ गया है तो इससे क्या हुआ जैसे एस एम ईज हैं एम एस एम ईज हैं इनके पास लिक्विडिटी का शॉर्टेज होता है जो बहुत सारी कंपनीज हैं वो से लोन मोरिटोरियम दिया उन्हें उनके पास भी लिक्विडिटी प्रॉब्लम एक्सेट्रा होता है तो मार्केट में ज़्यादा पम्प करने की ज़रूरत है मनी का तो इकोनॉमिक रिवाइवल में कैसे ये वर्क कर सकता है बिकॉज ज़्यादा मनी आएगा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा फिर इस तरीके से किक ऑफ हो सकती है इकोनॉमी रिकवर हो सकती है देन प्रेजेंट टाइम पे आप ये भी लिखो चैलेंजेस जैसे इन्फ्लेशन का बड़ा चैलेंज आ रहा है कोर सेक्टर का इन्फ्लेशन भी अभी थोड़ा ज़्यादा ही रहा है देन जो फ्यूल प्राइस है सप्लाई साइड बॉटल है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो रहा है तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का क्या यूटिलिटी है मॉडर्न टाइम्स में डिस्कस दिस क्वेश्चन देन इसको भी हम एडिटोरियल में भी और आगे देखते हैं सो दिस इज दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू ये सेकेंड पेज है आई आई टी दैली रिसर्चर्स डेवलप डिवाइस टू डायग्नोस डेंगू विद इन एन आवर सी चाहे वो कोई भी मेडिसिन हो जो भी कंडीशन हो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसका अर्ली डायग्नोसिस अर्ली डायग्नोसिस डायग्नोसिस हो गया मतलब आपको प्रॉब्लम पता हो गई है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई है जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होगी तभी तो आप उसका सोल्यूशन फाइंड करोगे सो so, ये डायग्नोसिस है डेंगू का डेंगू डेंगू भी बड़ा डेडली डिसीज़ है दिल्ली में तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है डेंगू का मॉस्किटो का तभी यहाँ पे मॉस्किटो क्लीनिंग ड्राइव होता है गवर्नमेंट अक्सर ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाती है कि जमा हुआ पानी नहीं होना चाहिए क्लीनलीनेस साफ़ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है जितनी भी बीमारियाँ होती है ना वो सब बीमारियाँ होती है इस गंदगी से सो द पॉइंट इज यू हैव टू बी लाइक स्वच्छ भारत मिशन अब आईआईटी दिल्ली ने डायग्नोसिस का एक ये नया तरीका निकाला है हैंड हेल्ड है मतलब पोर्टेबल होगा हैंड हेल्ड है सरफेस एनहेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेस्ड प्लेटफॉर्म है अर्ली डायग्नोसिस होगा डेंगू दे का डेंगू टेस्ट रिजल्ट एक घंटे के अंदर रैपिड डायग्नोसिस से इससे आ जाएगा तो विच इज़ अ गुड थिंग पहले हम आर टी पी सी आर एट्सट्रा भी करते हैं ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये एक कॉस्टली प्रोसेस है इसके जो रीजन्स केमिकल्स एट्सेट्रा होते हैं दे आर ऑल्सो कॉस्टली सो दिस हैंडल डिवाइस इज अ गुड थिंग अर्ली डायग्नोसिस एंड दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग डेंगू डेंगू तुरंत पता चलेगा तो तुरंत इलाज चालू होगा तो दिस रिकवरी वुड बी बेटर सो दिस इज़ द सेकेंड पेज ऑफ द हिंदू एक और है न्यूज़ यहाँ पे मॉडल टाउन रेसिडेंट कंप्लेन दिस एश सफोकेशन फॉर ओवर टू आवर्स अक्सर क्या होता है इंडस्ट्रीज़ होती है ना अगर ये शहरी एरिया के पास में होती है तो यहाँ का जो स्मोक होता है वो ऐसे ऊपर आता है चिमनी टॉवर्स पे फिर कुछ और दूर जाके वो ऐसे सेटल हो जाता है और इससे फिर प्रॉब्लम होती है पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होती है रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है जैसे कोल माइंस वाले एरिया होते हैं जैसे एक सिंगरौली एरिया है यहाँ पर जो कोल बेस्ड है इसके कारण जो ये अमिजन वगैरह होता है तो सिंगरौली का अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था कि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटेड सिटी बिकॉज ऑफ दिस कोल बेस्ड प्लांट तो टाउन्स के जो रेसिडेंट्स हैं वो यहाँ पे सफोकेशन का यहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं तो दैट इज़ वाई जब हम टाउन प्लानिंग करते हैं टाउन प्लानिंग अर्बन प्लानिंग करते हैं तो अक्सर हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ को हम वापस रीलोकेट करें बिकॉज जब शहर छोटा होता है तो हम पेरीफेरी में इंडस्ट्री बनाते हैं शहर बड़ा होता जाता है जैसे दिल्ली बढ़ बड़ बढ़ रहा है तो फरीदाबाद अगर ये सारी चीज़ें अब क्या हो गई टाउन्स में आ गई रेसिडेंट में आ गई अब यहाँ पर होता है दिस पॉल्यूशन सो दिस इज़ सेकेंड न्यूज़ दिस इज़ सेकेंड न्यूज़ ऑफ दिस पेज नंबर टू ये फायर एनगल्फ हुआ है यहाँ पे गुरुग्राम में फायर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिलेबस में भी दिया हुआ है डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी जो मैन मेड डिज़ास्टर्स हैं दे आर ऑन राइज इंडस्ट्रियल हेजार्ड और उसमें भी पिछले पूरे एक साल से फायर के बहुत ज़्यादा केसेस आए हॉस्पिटल्स में कोचिंग सेंटर्स में इंडस्ट्रीज में एवरीवेयर सो दिस इज इम्पॉर्टेंट देन दिस इज़ पेज नंबर थ्री सर्प एंड मतलब लाइन बहुत लंबी हो गई है दिस जस्ट लाइक अ स्नेक सर्प दिस इज़ नाइट कर्फ्यू नॉट टू इम्पैक्ट न्यू पार्लियामेंट प्रोजेक्ट वर्क ये हमारी नई पार्लियामेंट बन रही है 11 दिसंबर 2020 को हमने ये अच्छे से देखा था न्यू सीट ऑफ पावर ये टोटल एरिया है शेप ऐसा होगा इसका ट्रायंगुलर गियरिंग अप कंस्ट्रक्शन टाटा ग्रुप ने इसका दिस कॉन्ट्रैक्ट मिला है टाटा प्रोजेक्ट्स को ये ज़रूरत इसलिए हो रही है नई पार्लियामेंट की बिकॉज़ जो अभी पार्लियामेंट है वो है बनाई गई 552 पीपल के लिए राज्यसभा के 250 लोगों के लिए बट 2026 से लोकसभा और राज्यसभा की नंबर ऑफ़ सीट्स बढ़ने वाली है सो एट लोकसभा अराउंड हो जाएगा थ्री अराउंड राज्यसभा हो जाएगा तो हमें ये 1200 लोगों को अकोमोडेट करने के लिए एक नए बिल्डिंग का रिक्वायरमेंट है और प्लस पुरानी बिल्डिंग भी अराउंड 100 इयर्स से ज़्यादा ओल्ड हो गया है सो दैट इज़ वाई ये नई बिल्डिंग बन रही है थीम इसकी है पिकॉक नेशनल बर्ड लोकसभा राज्यसभा लोटस बेस्ड है और सेंट्रल जो लॉन्च है वो है बनयान बेस्ड तो ये हमारी दिस दिस न्यू पार्लियामेंट है हैवे लुक एट एलेवेंथ ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी का वीडियो एस्पायरेशन ऑफ ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी इंडिया अपने कुछ बहुत अच्छे आंसर्स भी लिखे थे द टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी इंडियन पार्लियामेंट डिस्कस दिस इज स्टेइंगकोमोडेटिव ये है एडिटोरियल एडिटोरियल पेज में लिखा है बिफोर दैट नॉर्थ एंड ईस्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब में भी कर्फ्यू लग रहा है कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन अगर हमने क्विकली कवर नहीं किया तो ये आउट ऑफ कंट्रोल होने वाला है रिचार्जेबल बैटरीज़ फॉर ई व्हीकल्स गेट आईआईटी बूस्ट जो जितने भी हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स देखते हैं ना उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि जो बैटरी है बैटरी एक तो कॉस्टली होती है दूसरा बैटरी का रिचार्ज करने में इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और रिचार्ज में भी टाइम लगता है पेट्रोल गाड़ी तो आप जाओ पंद्रह मिनट में पेट्रोल भराओ यू आर गुड टू गो बट रिचार्ज होने में दो घंटे तीन घंटे चार घंटे लग जाते हैं तो दिस इज़ वन थिंग देन बैटरीज़ के जो कॉम्पोनेंट है इसका इम्पोर्ट करने में लिथियम आयन पॉलीमर जो बैटरीज होती है इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है सेकेंड जो बैटरी का डिस्पोजल होगा वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बैटरी पॉल्यूटिंग होती है काफ़ी रिचार्जेबल बैटरी सो दैट इज़ वाई इसमें भी इनोवेशन एडवांसमेंट्स करने की जरूरत है इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक और प्रॉब्लम है कि इसकी रेंज बहुत कम होती है 200-300 किलोमीटर दैट्स इट दैन दिस इज़ सर्वदर्शन तिरुमला में अप्रेल ट्वेल्व दैन दिस इज़ वेस्ट और ये है एडिटोरियल स्टेइंग अकोमोडेटिव मतलब आर बी आई अभी भी कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप इट्स गार्ड ऑन प्राइस स्टेबिलिटी वाइल इन सर्च ऑफ ग्रोथ इकोनमिक रिवाइवल ज़रूरी है इसके लिए ईजी मनी पॉलिसी रखना पड़ेगा बट इन्फ्लेशन को भी हमें टेम करके रखना है वरना ज़्यादा पैसे आ जाएंगे ना तो इन्फ्लेशन तेजी से ओवरशूट हो जाता है तो वो भी एक गलत गलत होता है इकोनॉमी के लिए तो पॉइंट इज़ आर बी आई इज़ ट्राइंग टू वॉक दिस टाइट रोप अकोमोडेट अकोमोडेटिव स्टांस है प्रोजेक्शन जीडीपी का है कि हमारा रिकवरी होगा बट ये जितने भी नंबर्स आते हैं ना इकॉनॉमी के दे आर नॉट एट ऑल रिलायबल इकोनॉमी में अभी क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता है अभी से कोविड नाइन्टीन का सिचुएशन अगर वर्जन हो गया लॉकडाउन लग गया तो ये जितनी भी बातें हैं ना सब बैक टू ज़ीरो हो जाएंगी परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग दिस इंडेक्स है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है ये भी फिफ्टी के ऊपर है मतलब एक्सपेंशनरी है बट कम होता जा रहा है पहले फिफ्टी सेवन था इस महीने कुछ से फिफ्टी फोर फिफ्टी थ्री आया है तो विच इज़ नॉट गुड तो द पॉइंट इज़ कोर इन्फ्लेशन भी हाई है देन रिटेल इन्फ्लेशन वैसे ही हाई चल रहा है फ्यूल की जो प्राइसेस है उसमें बड़ा अनसर्टेनिटी है कोविड नाइन्टीन रिलेटेड लॉकडाउन होगा तो इस पूरी अनसर्टेनिटी में इकोनमी को सेफ करना भी ज़रूरी है एंड दैट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर तो फॉर नाउ अकोमोडेटिव रहेगा इजी मनिंग रहेगा डोविश स्टांस रहेगा लिक्विडिटी अभी भी हाई रखना है और इन्फ्लेशन को भी टारगेट करना है इकोनॉमी अभी नेसेंट रिकवरी में है बट डार्क क्लाउड्स हैं आगे कोविड की सेकेंड वेव लॉकडाउन हो सकता है पीएमआई का डेटा डिक्लाइन हुआ है इन्फ्लेशन रिटेल एंड कोर दोनों ज़्यादा है सो द पॉइंट इज डिमांड को बूस्ट करें क्रूड फ्लक्चुएट हो रहा है तो इसमें भी हमें जो क्रूड है उसको डाइवर्सिफाई करें इम्पोर्ट ये नहीं कि हम केवल सऊदी पे डिपेंड कर रहे हैं वी नीड टू डाइवर्सिफाई और क्यों ना हम स्पॉट मार्केट की तरफ बढ़े कि जो डेली क्रूड की प्राइस अप डाउन होता है उससे हम एडवांटेजेस ले पाए हमारी दिस ऑयल कंपनीज जो इम्पोर्ट कर रही हैं कोविड की अनसर्टेनिटी है वैक्सीनेशन एंड दिस सोशल वैक्सीनेशन इज़ दी ओनली सोल्यूशन तो ये पूरी चीज़ें अभी इंटरप्ले चल रहा है एक और चीज़ है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स वर्ल्ड ना मल्टीपोलर बनता जा रहा है चाइना इज ऑन राइज पाँच साल के अंदर अंदर चाइना यू को चैलेंज करने वाला है और चाइना प्रोबेबली यू को टॉपल भी कर देगा एज नंबर वन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड सो द पॉइंट इज़ इससे बहुत ज़्यादा चर्न होगा चर्न होगा और उसमें भी इंडिया को अपने को सेफ करना ज़रूरी है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स चाइना में सिचुएशन अभी डिफ़िकल्ट है अफगान में पीस टॉक डिफ़िकल्ट है ईरान वैसे ही डिफ़िकल्ट है नॉर्थ कोरिया इज़ अगेन डिफिकल्ट तो क्लाउड्स ऑफ अनसर्टेनिटीज एवरीवेयर अब जोग्राफी को हम बोलते हैं डेस्टिनी द वर्ड इज़ द किल वर्ड एक किल है और वी आर क्ले मतलब मिट्टी है वर्ड हमें उसके अकॉर्डिंगली शेप कर देता है जैसी ज्योग्राफी होती है वैसे ही वहाँ के फिर दिस डिफ्रेंसेस वहाँ का कल्चर वहाँ की ग्रोथ वहाँ की इकोनॉमी वहाँ की चॉइसेस एवरी थिंग एवरी थिंग जो होती है डिसीजन वो बॉयल डाउन हो जाता है दिस जोग्राफी में तो जोग्राफी इज फैक्टर जोग्राफी से ही एक और टर्म होता है दैट इज़ पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स और एक टर्म होता है इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है शासन कंट्री सोवरन है और इकोनॉमिक्स का मतलब होता है ट्रेड बिजनेस पैसा जोग्राफी का ओवरलैप पॉलिटिक्स के साथ भी होता है जोग्राफी का ओवरलैप इकोनॉमिक्स के साथ भी होता है तो ये कहलाएगा जियो पॉलिटिक्स और ये कहलाएगा जियो इकोनॉमिक्स बिकॉज हर कंट्री चाहती है कि उसके पास सेफ्टी रहे सिक्योरिटी रहे उसका टेरिटोरी सेफ हो इंटरेस्ट सेफ हो तो उसके लिए जियो पॉलिटिक्स होती है जियो इकोनॉमिक्स ब्रॉडली होती है दिस ट्रेड रिलेटेड मैटर्स के लिए बट यू नो जैसे हम कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस होता था बट फास्ट फॉरवर्ड टू ट्वेंटी सेंचुरी इन दोनों में डिफरेंस ना लाइन्स बहुत ब्लर होती जा रही है कोई भी कंट्री आज की डेट में कम्पलीटली कैपिटलिस्टिक नहीं है कोई भी कंट्री आज की डेट में कम्प्लीटली सोशलिस्ट नहीं है हर एक मिडिल पाथ यहाँ पे फाइंड करते हैं तो ऐसे ही जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स भी बहुत ज़्यादा दिस दिस इनका यहाँ पे ओवरलैप होता है तो द पॉइंट इज ये चीज़ बनाती है जियो स्ट्रेटजी ऑफ एनी कंट्री उसकी चॉइसेस जियो में सिक्योरिटी मिलिट्री पॉलिटिकल अफेयर्स ये सारी चीज़ें आएंगी जैसे यू खुद को वर्ल्ड की पुलिस मानता है हर जगह वो जियो में पहुँच जाता है यू इज़ ऑल्सो देयर पुरानी एक बहुत बड़ी इंपीरियलिस्ट पावर है नाटो इज़ ऑल्सो देयर जैसे अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक मिलिट्री है यहाँ पे पॉलिटिकल अफेयर्स को ये डिक्टेट कर रहा है वैसे ही जियो इकोनॉमिक्स में जैसे ट्रेड पॉलिसी एशियान की क्या ट्रेड पॉलिसी है डब्ल्यू क्या कर रहा है टैक्स टैरिफ बैरियर्स सप्लाइज एक्सेट्रा सो दिस इज़ ब्रॉडली द डिफरेंस बिटवीन दिस जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स बट द पॉइंट इज ये लाइन्स जो है ना बहुत ब्लर होती जा रही है ये वर्ड्स अक्सर इंटरचेंज ऐसे यूज भी होते हैं तो जोग्राफी पॉलिटिक्स इकॉनॉमिक्स ये बना के बनाता है जियो स्ट्रेटी हमने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा है क्लास ट्वेल्थ का ट्वेल्थ की सेकेंड बुक जो ज्योग्राफी की एक पेंडिंग है आई एम वर्किंग ऑन इट जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगा अब द पॉइंट इज उसमें हमने ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ा था एवरी जो है ना वो जोग्राफी से आई है जैसे सोशल जोग्राफी में क्या हो सकता है बिहेवियरल जोग्राफी हो सकती है वेल वेलबींग लेजर कल्चरल जेंडर हिस्टोरिकल मेडिकल ये सब करके ऐसे अलग अलग ब्रांचेस बन गई जैसे सोशोलॉजी हो गई सोशल की साइकोलॉजी हो गई बिहेवियर की वेलफेयर हो गई सोशोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी हो गई सोशोलॉजी एंथ्रोवेन हिस्ट्री अपिडमोलॉजी हो गई डिसीजेज एंड ऑल एपिडमोलॉजी अर्बन में अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग हो गया देन पॉलिटिकल में इलेक्टोरल जोग्राफी हो गया सेफ़ोलॉजी सेफ़ोलॉजी मतलब ये जो इलेक्शनस वगैरह होते, है होते हैं ना इनके एक्सपर्ट्स होते हैं सेफोलॉजी मिलिट्री साइंस की मिलिट्री जोग्राफी हो गई पॉपुलेशन का डेमोग्राफी हो गया सेटलमेंट का अर्बन रूरल हो गया इकोनॉमिक्स अगर हम लाते हैं तो रिसोर्स जो हैं जैसे कल हमने देखा था नक्सल्स में भी कि जैसे झारखंड है उड़ीसा है इनके पास रिसोर्स बहुत हैं मिनरल्स बहुत हैं तो वो रिसोर्स इकोनॉमिक्स हो गया एग्रीकल्चर का साइंस हो गया से पंजाब हरियाणा में इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स हो गया से महाराष्ट्र तमिलनाडु में बिजनेस स्टडीज़ इकोनॉमिक्स कॉमर्स हो गया टूरिज्म हो गया से जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल ट्रैवल मैनेजमेंट हो गया इंटरनेशनल ट्रेड तो ये अलग अलग ऐसे यहाँ पे ओवरलैप होके स्पेशलाइजेशन हो जाता है सब्जेक्ट्स का और एक स्पेसिफिक दिस ब्रांच डेवलप हो जाती है सो दिस इज़ द थिंग बट द पॉइंट इज जोग्राफी इज डेस्टिनी जो सेकेंड एडिटोरियल है दैट इज अबाउट दिस फॉलिंग शॉर्ट फॉलिंग शॉर्ट वैक्सीनेशन जो है इसका सप्लाई में अश्योरेंस देना जरूरी है ताकि लोगों में पैनिक नहीं हो पैनिक नहीं हो कॉन्फिडेंस आए गवर्नमेंट पे इंडिया मस्ट एंश्योर देर इज नो वैक्सीन शॉर्टेज एंड मूव टू एक्सेलरेट यूनिवर्सल एक्सेस जैसे जो बाइडन ने भी अभी स्टेटमेंट दिया है सब एटीन प्लस को वैक्सीनेशन देंगे वो तो इंडिया में भी विद इन अ मंथ आई थिंक ये हो जाना चाहिए डी कंस्ट्रक्टिंग डिक्लेरेशन ऑफ कार्बन न्यूट्रैलिटी ये बात है कार्बन न्यूट्रलिटी अब कल कल का आपने होमवर्क कर लिया यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और जॉन कैरी भी अभी इंडिया आए थे क्लाइमेट चेंज कार्बन न्यूट्रल कार्बन न्यूट्रल का मतलब है जितना कार्बन एमिशन आपने किया उतना ही आपने कंपनसेट कर दिया तो पॉजिटिव नेगेटिव ये हो गया जीरो दैट इज़ कार्बन न्यूट्रल इंडिया शुड नॉट ज्वाइन दिस गेम एज इट हैज टू स्टे फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट इमिजिएट नीड एंड एस्पायरेशनल गोल तो इंडिया को अभी अननेसेसरी बराबरी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इंडिया पे ऐसा फोर्स भी नहीं होना चाहिए जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे यू हुआ यू हुआ ये लोग सालों से सेंचुरी से कोल बर्न कर रहे हैं पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं और आज की डेट में भी इनका जो कंजम्पन है कार्बन इमिशन है वो बहुत हाई है तो इनको ज़रूरत है कि पहले ये अपना कट करें ये नहीं कि हम अभी इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में हैं और हम अपने जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं उसको कट कर दें तो दिस इज़ द थिंग कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ फैक्ट ग्रीन हाउस गैसेज हैं ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं सी ओ टू मिथेन सी एच फोर नाइट्रस ऑक्साइड हाइड्रोफ्लोरोबन एच एफ सीज पर फ्लोरोबन पी एफ सीज सल्फर डाइऑक्साइड हेक्जा फ्लोराइड एस एफ सिक्स एंड नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड एन एफ थ्री ये कुछ ग्रीन हाउस गैसेज हैं वरिजम फिगर है ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है अर्थ सन से जो आया वापस वो स्पेस में चला जाना चाहिए बट ग्रीन हाउस गैसेज उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो इससे अर्थ का वार्मिंग होता है एक सर्टेन डिग्री में ये एक अच्छी चीज़ है अगर ग्रीन हाउस गैसेज नहीं होती तो अर्थ में लाइफ भी पॉसिबल नहीं होता इससे हमारा एटमॉस्फेयर जो है इसका टेम्परेचर रेगुलेटेड होता है अदरवाइज़ रात में बहुत टेम्परेचर डाउन हो जाएगा दिन में बहुत टेम्परेचर अप हो जाएगा अगर ये जी नहीं हो तो जी जी इज़ गुड बट द पॉइंट इज़ अति सर्वत्र वर्जते जब ज़्यादा पॉल्यूशन हम करते हैं तो ग्रीन हाउस गैस का कम्पो कम दिस जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होता है और बहुत ज़्यादा एटमोसफियर क्या होता है दिस टेम्परेचर राइज होने लगता है और ये वरीजम फिगर है ग्रीन हाउस गैस क्यों बढ़ा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी हमने वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ा है दिस इज़ एंड अमेरिका यूरोप एट्सेट्रा पेरिस क्लाइमेट डील होता है इसके बीच में और भी बहुत सारे होते हैं क्योटो प्रोटोकॉल एट्सेट्रा एट्सेट्रा पेरिस क्लाइमेट डील अभी रिसेंट कट ग्रीन हाउस गैस इमिजन चेक करो राइजिंग टेम्परेचर कैसे करेंगे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी सबकी जिम्मेदारियां हैं बट वो जिम्मेदारियां बराबर नहीं है जिसके ज़्यादा कैपेसिटी है जिसने ज़्यादा पॉल्यूशन किया है वो ज़्यादा पे करेगा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉसिबिलिटी एंड फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट भी होना चाहिए एक ग्रीन क्लाइमेट फंड भी है बताइए इसका बजट कितना है कितना पैसा यहाँ पे होना चाहिए जी में तो कार्बन न्यूट्रल बनना है देर इज़ नो डाउट बट इंडिया का कोई कार्बन डेट नहीं है हमारा पर कैपिटा कार्बन कंजम्पशन भी बहुत कम है तो इंडिया मस्ट रिजेक्ट एनी अटेम्प्ट टू रिस्ट्रिक्ट इट्स ऑप्शन एंड बी लेड इन टू अ लो डेवलपमेंट ट्रैप अदरवाइज हम अगर से ड्रॉप कर दिया हमने कोल का पेट्रोल ऑयल क्रूड का तो हमारी ग्रोथ हैम्पर हो जाएगी लेड इन टू लो डेवलपमेंट ट्रैप में नहीं फंसना है बेस्ड ऑन दिस सूडो साइंटिफिक नरेटिव सूडो साइंटिफिक नरेटिव सो दिस इज द टेक ओवर हेयर दैन जो नेक्स्ट है दैट इज दिस अबॉर्शन इज अ वम्स राइट टू डिसाइड सी हमने कुछ टाइम पहले ऐसे केसेस देखे थे कि जो डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है और क्वेश्चन आ जाता है कि हम सेव करें मदर को या चाइल्ड को तो उन केसेज में ये जो राइट right है लाइफ है जो मदर की है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो अबॉर्शन इज़ अ वेमेन्स राइट टू डिसाइड अभी यहाँ पे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया इसमें बात है अप टू 24 वीक्स तक ये अबॉर्शन हो सकता है इसके लिए परमिशन की बात है एक मेडिकल बोर्ड का नाउ पॉइंट ये है कि ये जो डिसीज़न होना चाहिए ये एक विमेन का एबसोल्यूट राइट right है इसमें स्टेट का इंटरवेंशन इज नॉट राइट ये जो मोशन है कि स्टेट इंटरवीन करेगा दैट इज नॉट राइट वी नीड टू रिकोगनाइज राइट ऑफ अ वन ओवर हर बॉडी इन टेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग दिस अबॉर्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो ये यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है सो दिस इज द सेकेंड आर्टिकल फॉर टूडे तो ये एडिटोरियल पेज है नाउ लेट लेटस मूव फरदर लोक अदालत ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेड्रेसल कल ही आई वॉज रीडिंग वन न्यूज की जो कोर्ट्स हैं कोर्ट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज़्यादा यूज़ बढ़ेगा तो जो बहुत सारे सिस्टमेटिक एक ही टाइप के कोर्स केसेस आते हैं जैसे मोटर व्हीकल के हो गए या फिर रूटीन जो केसेस हैं उसमें एआई के थ्रू जजमेंट बहुत जल्दी प्रिपेयर हो सकता है फाइनल जजमेंट तो जज साहब ही देंगे बट जो बैकग्राउंड डेटा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डेटा फैक्ट्स कलेक्ट करना डेटा कलेक्ट करना एट्सेट्रा वो इस ए मशीन के थ्रू एक सेंट्रलाइज डेटा रिपोजिटरी बन रही है और ए जो टूल है वो हेल्प करेगा जजेस को रेलिवेंट डेटा फैच करने के लिए तो जस्टिस स्पीड अप होगा बिकॉज हमारे यहाँ क्या है कोर्ट में तारीख पे तारीख आती है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड बट जस्टिस हरेड इज़ जस्टिस बरिड जल्दबाजी में ये भी नहीं करना है कि हमने गलत जस्टिस दे दिया और वो चीज़ यहाँ पे देखने में आ रही है लोक अदालत में सिस्टम मस्ट लुक बियॉन्ड स्विफ्ट डिस्पोजल ऑफ केसेस एंड फोकस ऑन जस्ट एंड फेयर आउटकम अब लोक अदालत क्या है लोक अदालत ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल के सिस्टम है नॉर्मल कोर्ट के बाहर भी अगर हम अमेकेबल डिस्ट्रीब्यूट अमेकेबल दिस सेटलमेंट करवा सकते हैं तो वो होगा ये लोक अदालत लोक अदालत एग्जिस्टेड इवन बिफोर द कॉन्सेप्ट दिस रिसीव्ड स्टैशरी रिकॉग्निशन मतलब पार्लियामेंट का लॉ बनने के पहले से भी लोक अदालत थी 49 में हरी वल्लभ पाल एक डिसाइपल थे हरी वल्लभ पारेख जी एक डिसाइपल थे महात्मा गांधी जी के इन्होंने पॉपुलराइज किया था इस कॉन्सेप्ट को रंगपुर गुजरात में कॉन्स्टिट्यूशन में फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट आता है 1976 आर्टिकल 39 ए आता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड और फिर लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट आता है 1987 तो इससे क्या होता है लेजिस्लेटिव बैकिंग मिल जाती है लोक अदालत को प्रोवाइड फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑर्गेनाइज करें लोक अदालत तो टू सिक्योर ऑपरेशन ऑफ लीगल सिस्टम प्रमोट करें जस्टिस बेसिस ऑन इक्वल अपॉर्चुनिटी हमारे यहाँ जो कोर्ट्स होती है ना एक तो बहुत एक्सपेंसिव है एक्सपेंसिव है वकील साहब और इनका मतलब फी वगैरह बहुत ज़्यादा होता है और जजमेंट में भी इतना टाइम लगता है हीयरिंग पे हियरिंग तो ये मतलब साधारण इंसान के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है बहुत पैसे लग जाते हैं तो एक तो ये चीज़ है दूसरा चीज़ है इसमें डिले बहुत ज़्यादा होता है तीसरा ये होता है कि रूल्स प्रोटोकॉल्स और जो सी आर पी सी आई पी सी है इसको भी बहुत फॉलो करना पड़ेगा तो लोक अदालत एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें जैसे नॉर्मल केसेस आ रहे हैं फैमिली का कोई केस है छोटा मोटा डिस्प्यूट है उसको वो कोर्ट के बाहर ही ऐसे सेटलमेंट करके सॉल्व कर दें तो कोर्ट पर भी ज़्यादा लोड नहीं होगा और लोगों को भी जल्दी जस्टिस मिल जाएगा ये कॉन्सेप्ट था तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड पुअर के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है फ्री ट्रीटमेंट का अंडर अवर लीगल सिस्टम तो इसके लिए आती है लोक अदालत लोक मतलब पीपल अदालत मतलब कोर्ट जस्टिस एक्सेसिबल करना है और अफोर्डेबल करना है ये एक फोरम है जहाँ पे प्रॉब्लम्स क्राउडेड केसेस डॉकेट्स आउटसाइड द फॉर्मल एडजुडिकेटरी सिस्टम मतलब नॉर्मल कोर्ट के बाहर ये ऐसा हो पाएगा अब ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं लोक अदालत ऑफर करती है पार्टीज स्पीड ऑफ सेटलमेंट जल्दी होगा केसेस डिस्पोज होते हैं कई बार एक ही दिन में प्रोसीजर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन नहीं होता है किसका कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का और इंडियन दिस एविडेंस एक्ट 1872 तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी है फ्लेक्सिबिलिटी है ज़्यादा नियम के अकॉर्डिंग ही नहीं चलना है इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी होती है फ़ी नहीं होती देर आर नो कोर्ट फीस मैटर जो होता है लोक अदालत में और वो फाइनेलिटी होती है बिकॉज़ अमिकेबल सेटलमेंट है समझौता हुआ है यहाँ पे आपस में तो उसकी आप फिर अपील नहीं कर सकते तो ये चीज़ है बट द पॉइंट इज़ जो इसमें आगे फर्दर लिखा हुआ है कि पिछले कुछ टाइम पे ये देखने को आया है कि जल्दबाजी में केसों का निपटारा होता है जो दोनों पार्टीज़ होती हैं वो कई बार समझ नहीं पाती एक साइड जैसे कुछ स्ट्रॉन्ग पार्टी है दूसरी साइड की पार्टी फिर डिसएडवांटेज में होती है ये बहुत सारे केसेज़ आ रहे हैं ये पूरा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है इसका मैं पी बना के आज रात तक शेयर कर दूंगा सो दिस इज लोक अदालत स्पीड ओवर क्वालिटी देन द क्वेश्चन फॉर यू इज प्रिपेयर अ नोट ऑन लोक अदालत लोक अदालत में लक्ष्मीकांत का भी चैप्टर अच्छा है रीड दैट चैप्टर एंड रीड दिस आर्टिकल एंड प्रिपेयर दिस नोट लोक अदालत दिस इज इंपॉर्टेंट अब द आर्ट ऑफ रेगुलेशन यहाँ पे जी वी रामाकृष्णा लेट चेयरमैन ऑफ दिस सेबी डिसिप्लिन एंड एडेप्टेबिलिटी। अब जैसे हमारा जो स्टॉक मार्केट है इक्विटीज़ और इनका मार्केट है यहाँ पे भी रेगुलेशन एंड मोडोशन ज़रूरी है तो उसके लिए आता है दिस स सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये लीगल बैकिंग है लेजिस्टिव बैकिंग है एक्ट का नाम बताइए और इसके अभी प्रजेंट चेयरमैन कौन है ये भी आंसर अवे टू द ट्रांस पर्सन सी इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है ट्रांस पीपल को भी पूरा पूरा राइट right है टू लिव विद दिस ऑनर एंड डिग्निटी सोसाइटी में एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज़ नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल इंडक्शन है थर्टीन मेंबर्स का कम्युनिटी का छत्तीसगढ़ पुलिस में ये एक एनकरेजिंग फीट है दिल्ली में भी आप देखना दिल्ली मेट्रो में, तो में कई जगह यहाँ पे ऐसे यहाँ पे दिस एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया है विच इज़ अ गुड थिंग ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है रिसेंटली ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट टू भी आया था कि आप इनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट दो एक राइट right, एक वर्क दो ताकि ये भी एक डिग्निफाइड लाइफ यहाँ पे अपना दिस कर सकें सो दिस इज वे फॉवर्ड फ ट्रांसपर्सन स्टिल नॉट इनफ गवर्नमेंट मलिंग वेज टू बूस्ट यल्ड फ्रॉम पॉपी 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 काफी इंपॉर्टेंट है कल्टिवेशन है मेडिसिनल भी इसका यूज होता है डिपार्चर फ्रॉम द पास्ट सेंटर ने कहा है प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पे अलाउ किया जाएगा टू बूस्ट एक्सट्रैक्शन ऑफ दिस अल्केट दिस इज पॉपी कल्टिवेशन देन पार्टनरशिप मॉडल में ये यह यहाँ पे अलाउ किया जाएगा दिस पॉपी कल्टिवेशन को ओके okay. इंसेंटिवस देंगे सोलर एनर्जी सेक्टर को ये सब क्या है सोलर पावर दिस पैनल हैं रिन्यूएबल सोर्सेज एल ई डी एयर कंडीशनर गवर्नमेंट अभी बहुत ज़्यादा पी एल आई दे रही है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिवस इंडिया में आओ प्रोडक्शन करो गवर्नमेंट आपको टैक्स में फैसिलिटीज इन सब में छूट देगी इंसेंटिवस है सोलर एनर्जी सेक्टर का ये एक इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी किया है आई एस ए ज्वाइन करने का क्राइटेरिया क्या है क्या क्राइटेरिया ये है कि आपको दिस ट्रॉपिक ऑफ़ कैंसर एंड कैप्रिकॉन के बीच में आपकी कंट्री होना चाहिए इज इट अ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया आंसर दैन दिस इज सी बी आई सेंटर इटालियन मरीन केस नो टू क्लोज पैंडमिक कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर एक स्टूडेंट से एग्जाम पे चर्चा सेशन किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया पैंडेमिक ऑफर्ड की लेसन जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना तो उसमें प्रॉब्लम तो है बट साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी भी होती है तो फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी मुश्किलों को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का आर्ट यू शुड नो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फैमिली बॉन्ड ग्री टूगेदर स्ट्रॉगर ड्यूरिंग दिस टाइम अब सी लॉकडाउन के कितने बेनिफिट्स भी हुए यू गॉट सच अमाउंट ऑफ टाइम कि अपने फैमिली फ्रेंड्स इनके साथ यू कैन डू सो दिस इज़ गुड थिंग स्टडी एग्ज़ैम और एग्ज़ाम में हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है सिंसियर होना अच्छी बात है सीरियस होना बहुत बुरी बात है और ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना इनको बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए जैसे ये सिविल सर्विसेज वगैरह में समटाइम्स आई रीड योर मैसेज आई फील स्कैड इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है इट्स जस्ट एन एग्जाम एग्जाम होता है अच्छी बात है नहीं होता है तो कोई और अच्छी चीज़ हो जाएगी सो डोंट बी वेरी वेरी सीरियस बिकॉज इस एग्जाम में ना एक फैक्टर ऑफ अनसर्टेनिटी भी है कहीं ना कहीं एक थोड़ा लक फैक्टर भी आता है सो टेक इट लाइक दैट बहुत सारे ऐसे होते हैं जैसे आप एस में भी देखो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब थे प्रसिडेंट साहब अब्दुल कलाम साहब वो एयरफोर्स में फाइटर पायलट बनना चाहते थे नहीं हुआ बट कुछ टाइम बाद वो सुप्रीम कमांडर बने तीनों आर्म्ड फोर्सेस के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आप माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ के बारे में देखो सो द पॉइंट इज़ कि पैंडमिक से की लेसन्स लेने और बहुत ज़्यादा दिस को सीरियसली नहीं लेना चाहिए इन वन मोर थिंग जिसका सिलेक्शन होता है नहीं होता है ना इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इट इज़ जस्ट लाइक कि उस टाइम पे वो चीज़ उस पर्सन के लिए क्लिक हो गई बट नॉट बी वेरी वेरी सीरियस पैंडमिक ऑफर्ड की लेसन देन दिस इज कूच बिहार चाइना इज केपेबल ऑफ लॉन्चिंग साइबर अटैक नाउ दिस इज अ सीरियस थिंग चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने भी बताया कल भी हमने इसे पढ़ा था चाइना अटैक कर सकता है साइबर अटैक्स और चाइना की जो पॉलिसी है ना उसने खुद ही ने डिक्लेयर कर रखे है दो हजार तीस पैंतीस तक वो वर्ल्ड का नंबर वन होगा कंप्लीट डोमिनेंस करेगा डोमिनंस चाइना के साथ प्रॉब्लम क्या है चाइना रिवेंजफुल राइज के ऊपर ज़्यादा बिलीव करता है विच इज़ अ कॉज ऑफ वरी सो चाइना इज केपेबल ऑफ लॉन्चिंग साइबर अटैक्स यू के वैक्सीन पैनल इशूज कॉशन ऑन ऑक्सफोर्ड शॉट प्राइम मिनिस्टर ने वेसल सी शेल्स के लिए यहाँ पे किया दैन शोकेज द वर्किंग देन दिस इज थाला दिस इज शोकेज बैटल और ये है रशिया सी रशिया एंड पाकिस्तान के भी क्लोजर टाइज हो रहे हैं तो रशिया इंडिया को भी मिलिट्री प्रोडक्ट्स दे रहा है एंड दिस पाकिस्तान को भी मिलिट्री प्रोडक्ट्स हो रहे हैं अंडरस्टैंड दिस थिंग ये जो मिलिट्री सप्लायर्स हैं वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्रीज हैं एंड इंडिया एंड पाकिस्तान नीड टू एक्ट दिस प्रूडेंटली समझदार होना जरूरी है रशिया टू सप्लाई मिलिट्री गेयर टू पाकिस्तान लेवरो अभी यहाँ पे भी गया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एट्सट्रा करेंगे यूएस मिलिट्री साइट्स राइजिंग रिस्क ऑफ बीजिंग्स मूव अगेंस्ट ताइवान अब बीजिंग ताइवान में अपना डोमिनेंस बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा है ताली ताइवान ने भी कहा है कि हम लास्ट वेरी लास्ट डे ऑफ चाइना अटैक दे विल फाइट ये रेड सी इरानियन शिप है ऑल एडल्टू एस एलिजिबल फॉर वैक्सीनेशन है फ्रॉम अप्रैल नाइनटीन आर बी आई ने एक्सटेंड कर दिया है दिस फ्रेश सपोर्ट फिफ्टी थाउजेंड करोड़ का नाबार्ड के लिए नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए कब बना था नाबार्ड और इसका रोल क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाबार्ड रुपी ने सफर किया वर्स्ट वन डे फॉल इन ट्वेंटी मंथ बीस दिन में तो ये डेप्रिशिएट हुआ है या डी वैल्यू हुआ है आंसर दोनों में फर्क होता है ये रुपी डेप्रिशिएट हुआ या डी वैल्यूएशन हुआ आंसर देन दिस इज बैंक स्टॉक्स सेंसेक्स और ये है आई एल एफ एस इंग्लिश लर्निंग दिस इज मुंबई इंडियंस नाइन फाइव एट बोल्ट ट्वेल्थ मैन वेटिंग बोल्ट इज कि अभी भी आई एम स्टिल द फास्टेस्ट कैट अराउंड टोक्यो ओलंपिक्स की यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है सो दिस इज द हिंदू अब ये इंडियन एक्सप्रेस है वैक्सीनेशन डेटा महाराष्ट्र लॉकडाउन रिटर्न कोविड सर्ज आर ने की रेट्स अनचेंज रखा है सो दिस इज बूस्टिंग कॉन्फिडेंस और बॉन्ड परचेज में भी येल्ड बहुत ज्यादा बढ़ेगी ना तो इससे डिफिकल्टी आती है इक्विटी मार्केट में सो so, ये भी आर बी आई यहाँ पे कॉशियसली यहाँ पे कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है बोरोइंग विल नॉट ड्राइव अप इल्स टू मच देन दिस इज अभी कुछ दिन पहले इल्ड बहुत बढ़ गई थी डिफिकल्टीज थी उससे देन दिस इज सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू एंड दिस इज सेकेंड पेज और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ने ये किया परीक्षा पे चर्चा और दिस इज थर्ड नेक्स्ट पेज स्टेट वैक्सीन बैड स्टेट शॉर्टेज अमिट सर्च दिस इज द कॉज ऑफ वरी नीड दैट डोज एक्स वैक्सीनेशन ओल्ड फ्रेंड्स न्यू वर्ल्ड रशिया के साथ हमारे रिलेशन प्रेगमेटिज्म इज इम्पॉर्टेंट ओपेक बॉन्ड है दिस इज अबाउट इलेक्टोरल बॉन्ड्स और ये है बियॉन्ड कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट स्टूडेंट्स एसिंग आर्ट ऑफ कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी पैंडमिक रेस्ड क्वेश्चन अबाउट टीचिंग नकल में भी ना अकल थोड़ी लगानी चाहिए नोट ऑन एजुकेशन दिस इज रिवर लिंकिंग केन बेतवा कुछ दिन पहले पढ़ा था यहाँ आर्टिकल है कि केन बेतवा प्रैक्टिकल और फिजिबल इतना नहीं है दिस इज नोट ऑन एजुकेशन ये लेसन नक्सल इंडिया अपोज कर रहा है नेट जीरो सिक्योरिटीज मार्केट बूस्ट स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट अब रशिया क्या करेगा स्पेशल मिलिट्री इक्विपमेंट देगा पाकिस्तान को तो अंडरस्टैंड दिस एंटायर दिस गेम प्लान दैन दिस इज़ रिमेंबरिंग रवान्डा एक मूवी आया था ये बड़ा अनफॉर्चुनेट यहाँ पे जेनोसाइड हुआ था रवानंडा में एक मूवी भी है होटल रवान्डा उसमें ये पूरा इसी थीम पे बेस्ड है सिविल वॉर होती है सिविल वॉर इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ वॉर चाणक्य रेखा है सिविल वॉर इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ वॉर देन दिस इज लोकलाइज्ड लॉकडाउन डैम्पन पिकअप इन डिमांड ये पी एल आई स्कीम है वाइट गुड्स के लिए सोलर मोड्यूल्स के लिए वाइट गुड्स क्या होते हैं ये अकोमोडेटिव स्टांस वर्सेस लॉन्ग एज रिक्वायर्ड ये नंबर्स दिए हुए हैं सी रेपो और जो रिवर्स रेपो होता है ना ये टेंडम में चलता है दोनों एक साथ अप होता है या एक साथ डाउन होता है तो देखिए पहले छः दशमलव दो पाँच साढ़े छः था फरवरी सात दो हजार उन्नीस में ये अब धीरे धीरे दिस रेपो कितना किया कम कर दिया फोर मतलब लिक्विडिटी बढ़ा रहा है रेपो रिवर्स रेपो ये रेपो फोर है तो रिवर्स रेपो से थोड़ा सा कम से थ्री पॉइंट थ्री फाइव है पर दोनों टेंडम में चलते हैं ये कैश रिजर्व रेशो है ये भी कम कर दिया है बैंक रेट भी कम कर दिया है तो सरकार मतलब आर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ये चाह रही है लिक्विडिटी बढ़े ये रुपी का डेप्रिशिएशन हुआ है या डीवेल्युशन हुआ है आंसर 74.47 का एक रुपये हो गया है पीएलआई स्कीम्स सो ये है द इंडियन एक्सप्रेस अब हम हिंदी में देखते हैं मोटा अनाज ये होता है ज्वार बाजरा रागी प्रमिनेंटली है ये कैटेगरी होती है इसमें और भी दिस अनाज आता है ये जरूरी है हमारे लिए वाई बिकॉज इससे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी मिलेगी मोटा अनाज जो गेहूं और चावल होता है ना इसकी तुलना में सस्ता होता है प्रोटीन फाइबर वाइटामिन आयरन इसमें ज़्यादा होता है तो पोषण हेतु बेहतर आहार होता है ये मोटे अनाज में कैल्शियम मैग्नीशियम की प्रचुरता होती है रागी में सभी खाद्यान्नों की तुलना में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है बच्चों को कैल्शियम ज़्यादा देना चाहिए बोन्स के लिए इट्स गुड सिमिलरली जो एल्डर्स होते हैं उनमें भी कैल्शियम का काफ़ी कमी होता है स्पेशली वेमेन इसमें लोहे की उच्च मात्रा महिलाओं की प्रजनन आयु शिशुओं में एनीमिया के उच्च प्रसार को रोकने में सक्षम है सो so, जो ज्वार बाजरा रागी है दिस इज़ वेरी गुड फॉर न्यूट्रिशन जलवायु की अनुकूल है लोकल है हमारे यहाँ का तो क्लाइमेट रेजिस्टेंट है कठोर एंड सूखा प्रतिरोधी फसल है वृद्धि काल इसका काफ़ी कम है जबकि गेहूं और चावल को बहुत टाइम लगता है ग्रो होने में चावल को बहुत ज़्यादा पानी भी चाहिए होता है तो दिस इज़ बेटर जलवायु अनुकूल आर्थिक सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कम निवेश की ज़रूरत होती है और इनकम अच्छी आ जाती है और हेल्थ रिलेटेड भी इसमें काफ़ी बेनिफिट है जैसे दिस मधुमेह दैट इज़ डायबिटीज़ मोटापा ओबेसिटी भी आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मोटापा सो इसमें ग्लूटेन मुक्त होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है खाद्य पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट का एक सापेक्ष स्तर के अनुसार रक्त शर्करा शुगर के स्तर को प्रभावित करता है तो इसमें एनर्जी जो है ना शुगर वगैरह का भी वो धीरे धीरे रिलीज होता है तो डायबिटिक के लिए दिस इज़ रियली गुड दिस मोटा अनाज मोटे अनाज में एंटी भी होता है तो इससे हमारी बॉडी जल्दी ओल्ड नहीं होती अदरवाइज क्या होती है एजिंग भी आजकल बहुत जल्दी दिखने को मिल रहा है यंग एज के लोग हैं बट दे हैव स्टार्टेड लुकिंग लाइक कि काफ़ी एज है उनकी सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जिस मोटे अनाजों को यहाँ पे प्रमोट करें ज्वार बाजरा रागी मिलेट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल मिलेट ईयर अभी कौन सा प्रपोज है आंसर ये सी सेट है किस रेशियो में हम मिक्स करें तो सी थर्टी परसेंट प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट 33.3 परसेंट है मतलब 33.33 .33 मतलब वन थर्ड तो वन थर्ड है कॉस्ट प्राइस का तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट तो फोर बाय थ्री ऑफ कॉस्ट प्राइस हो गई तो हम यहाँ पे देखें कॉस्ट प्राइस है वो वाइन से प्रोपोर्शनल है सेलिंग प्राइस में वाइन और वाटर भी आ गया वाटर हम इंज्यूम कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट था तो रेशो क्या होगा रेशो हो गया वाइन अपॉन वाइन प्लस वाटर मतलब कॉस्ट प्राइस अपॉन दिस फोर बाय थ्री ऑफ कॉस्ट प्राइस दैट इज सेलिंग प्राइस तो ये हो गया थ्री बाय फोर वाइन अपॉन वाइन प्लस वाटर का थ्री बाय फोर को हम लिख सकते हैं थ्री थ्री प्लस वन तो वाइन थ्री पार्ट हो गया और वाटर वन पार्ट हो गया तो दिस इज़ वन इज़ टू थ्री वन इज टू थ्री इधर कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना था 240 आ गई ओवर हेड है मतलब इतना और ऐड कर दो कॉस्ट प्राइस में ये अलग से और खर्चा हुआ एक सामान खरीदा उस पर और इनपुट लगाना पड़ा तो टोटल 240 का वो कॉस्ट प्राइस पड़ा सेलिंग प्राइस 300 है गेन कितना हुआ दिस माइनस दिस साठ रुपए परसेंटेज निकालना है साठ पॉइंट दो सौ चालीस कॉस्ट प्राइस प्रॉफिटेबल काउ का ये इतना सेलिंग प्राइस था और वन का गेन हुआ था मतलब एक सौ नाइन्टी नाइन थाउजेंड अपन वन पॉइंट वन करेंगे तो नौ हज़ार आ जाएगी कॉस्ट प्राइस तो प्रॉफिट कितना हुआ ये सेलिंग प्राइस थी ये कॉस्ट प्राइस नौ सौ रुपये प्रॉफिट लॉस में क्या हुआ अगेन कॉस्ट प्राइस इतनी थी नाइन्टी नाइन थाउजेंड सेलिंग प्राइस थी नाइन्टी नाइन थाउजेंड सेलिंग प्राइस थी बट इस बार उसे बीस परसेंट का लॉस हुआ था तो इसको पॉइंट एट से डिवाइड कर देते हैं तो बारह तीन सौ पचहत्तर तो लॉस हुआ इतना तो दोनों का प्रॉफिट इतना हुआ लॉस इतना हुआ तो टोटल क्या होगा लॉस होगा पंद्रह पचहत्तर का लॉस हो गया ये पहला सवाल है ए एंड बी ने इन्वेस्ट किया बिजनेस में रेशियो थ्री टू टू में पाँच परसेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट गोज टू चैरिटी इतना चैरिटी में देना है प्रॉफिट में तो प्रॉफिट से ये परसेंट कम करना पड़ेगा एज इज शेयर इज रुपीज एट फाइव फाइव तो टोटल प्रॉफिट क्या हुआ आंसर ये पहला सवाल है दूसरा ए इज बी सिस्टर सी इज इज मदर डी इज सी इज फादर इज डी इज मदर देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू डी आंसर सब आंसर करिए दिस इज इम्पॉर्टेंट हर साल ये एक सवाल आया है दिस इज इम्पोर्टेंट सी सेट एवरीबडी आंसर देन ग्रॉशर हैज़ अ सेल ऑफ दिस दिस एंड दिस एंड सेवन टू थ्री जीरो नंबर है ये पाँच नंबर है पाँच कंजीक्यूटिव मंथ में पहले महीने दूसरे महीने तीसरे महीने फोर्थ एंड फिफ्थ हाउ मच सेल मस्ड ही हैव इन दिक्कत मंथ की जो एवरेज है वो हो जाए सिक्सटी फाइव हंड्रेड आंसर एक्स बनाइए एवरेज करिए इक्वल करिए एक्स का वैल्यू आ जाएगा सो दीज आर थ्री क्वेश्चन फॉर टूडे ये सोल्यूशंस हैं और बिफोर दैट वी टॉक्ड अबाउट दिस सर्टेन हेडलाइंस रुपी ज्वार बाजरा रागी दिस इज नंबर अकोमोडेटिव स्टांस पी एल आई लोक अदालत पे एक नोट प्रिपेयर करना है इसका पी डी एफ बी एल शेयर प्रिपेयर अट देस इज पैरिस क्लाइमेट कार्बन न्यूट्रल दिस इज जोग्राफी एंड डिफरेंट डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस न्यू पार्लियामेंट और ये सर्टेन कोविड न्यूज़ सो दिस इज़ एट ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी वन डे नंबर नाइनटी एट टू मोर टू गो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ